है खाना टफ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मुंबई। मौलाना साहब, मुख्यमंत्री साहब से कुछ आपने अपील की थी कब्रिस्तान को लेकर, सुन्नी कब्रिस्तान को लेकर, तो क्या आश्वासन मिला है मुख्यमंत्री इग्नेस शिंदे साहब की तरफ से? बोलें तो हम यहाँ के हमारे जितने सपोर्टर्स हैं और जिनके जरिए से मुख्यमंत्री साहब से हमारी मुलाकात हुई, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी इग्नेस शिंदे साहब से मुलाकात करवाई और काफ़ी पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स रहा। उन्होंने जगह के बारे में पूछा, जगह आपने देख ली, हमने उनको बताया कि हाँ जगह हमने देख ली है, आपको जो एप्लीकेशन दिया जा रहा है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स सबमिट है, तो खैर उन्होंने आश्वासन दिया है, उम्मीद जताई है कि इंशाल्लाह ये काम आपका होके रहेगा और बताया कि आप इनसे इनसे फॉलोअप करते रहना, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। तो कहाँ पे कब्रिस्तान की मतलब आपने बुलाया? हमने शिल और शिल महापे रोड पर मुनीर कंपाउंड के थोड़ा आगे जहाँ लक्की कंपाउंड था उससे इस तरफ सर्वे नंबर 72 के अंदर हमें जगह देख के रखी है, तो वो ग्रीन जोन है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ पे पॉसिबल है जी, वहाँ पे लिया जाएगा मतलब। जी जी सर, जानकारी के मुताबिक जो जगह बताई गई वो पहले से कब्रिस्तान के लिए रिजर्व है? जी नहीं, ऐसा है कि वो ज़मीन जो है वो हमने नहीं ढूंढी है, ये जो हमारे जो मौलाना पीछे खड़े हैं ये पूरे उलेमा लोग हैं और ये बहुत जिम्मेदार लोग हमारे मुमरा कौसा के, और ये फिक्र थी कि जिस तरीके से मुमरा कौसा में बहुत सारे कब्रिस्तान का निर्माण हो चुका है उसी तरीके से हमारा शील कल्याण फाड़ा जो परिसर है यहाँ पर बहुत बड़ी बहुमूल्य मुस्लिम आबादी बढ़ चुकी है और उनके पास कब्रिस्तान की कोई जगह नहीं थी, तो लोगों ने एक मांगनी ऐसी की है कि फॉरेस्ट को लग करके बहुत बड़ा फॉरेस्ट का लैंड है, रिजर्व लैंड है, फॉरेस्ट का प्योर फॉरेस्ट लैंड है जिस पर कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का रिजर्वेशन नहीं है, वो ज़मीन को उन्होंने ढूंढ करके निकाला है और उनकी एक मांगनी ऐसी है कि उस ज़मीन के ऊपर हमें कब्रिस्तान के लिए रिजर्वेशन डाल करके फॉरेस्ट से लेकर के वो महानगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो महानगर पालिका को मुहैया करावे और उनको हैंड ओवर कर देवे, जिसके ताल्लुक से आज हमने सीएम साहब से बात की थी कि साहब आप कन्वॉय को हम कल्याण भट्टा पर रोकते हैं, उन्होंने कल्याण भट्टा रोकने से मना किया, उन्होंने मंदिर परिसर में मेरी जहाँ ओपनिंग है वहीं पर आ जाएं, और एक बहुत बड़ा हमारे लिए सद्भावना का संदेश है कि एक हिंदू धर्म के धर्मस्थल के परिसर के अंदर हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहाँ पर बुला करके उनका एक बहुत बेहतरीन काम का आगाज किया गया है और हम इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री साहब के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फौरन इसके ऊपर लब्बैक कहा है और मुझसे उन्होंने पर्सनली कहा है कि राजू जो लेटर है मैं तो ले लिया है मगर इसकी ज़मीन की रेखी करने के बाद में आप इसकी डिटेल्स मुझे बता दें ताकि मुझे फॉरेस्ट के लोगों से बात करने में आसानी होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि अगले दो दिन के अंदर हम इसके ऊपर मीटिंग कर लेंगे और ये तमाम हमारे जो उम्रा कौसा जो मौलाना है जो हमारे जिम्मेदार भी है और हमारे बुजुर्ग भी हैं, हम चाहते हैं कि इनकी दुआओं के जरिए से और हमारी मेहनतों के जरिए से वो काम आसानी से हो जाए। आपका क्या कहना है रीता मैडम, आप भी यहाँ मौजूद थे और मुख्यमंत्री इग्नेस शिंदे साहब से आप मुलाकात भी की, जिस तरीके से महाराष्ट्र में काम हो रहा है, सीएम साहब और हमारे उप मुख्यमंत्री है जो काम कर रहे हैं देवेंद्र जी और हमारे शिंदे साहब, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह जिस तरीके से नो एक लहर चल रही है इतने अच्छे अच्छे कामों की, तो इंशाल्लाह इस बार कब्रिस्तान के लिए भी हमें ज़्यादा झगड़ना ना पड़ेगा, हमें ज़्यादा लड़ना नहीं पड़ेगा, हमारी जो हक हमने मांगा है आज वो भी इंशाल्लाह लोग जल्दी पूरा करेंगे, इसी उम्मीद रखते हैं और इसी दुआ करते हैं।